जिंदगी में जीत हमेशा आपको लेज़ी बना देती है और आपको ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि अब आप कभी हार नहीं सकते। बट लाइफ हैज़ इट्स ओन ट्रिक्स, लाइफ हैज़ इट्स ओन डेस्टिनी, और आप कभी भी राजा तो कभी भी आप रंक बन सकते हैं। हेलो एंड वेलकम गाइस, माय नेम इज़ कुश पांडे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू अपोलोजाइज टू एवरीवन। मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा बिकॉज आज डिले हो गया, थोड़ा सा कुछ इशू था हमारा टेक्निकल को लेकर और इस वजह से हम आज टाइम पे नहीं शुरू कर पाए। तो आई अपोलोजाइज फ्रॉम एवरीथिंग एंड हमारी कोशिश रहती है कि हम डिले ना करें। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम। द नेम ऑफ आर टेलीग्राम चैनल गाइस इज़ GK editorial by Kush and Yashi। आप उस टेलीग्राम चैनल पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो आर टेलीग्राम ग्रुप दैट इज़ डाउट रेजोल्यूशन बाय कुश एंड यशी। ये आपके ऊपर है कि आप करें या ना करें, बट दैट इज़ अप टू यू टू डिसाइड कि आपको करना है कि नहीं करना है। तो चलिए शुरू करें। इन द मीन टाइम गाइज, आई वॉन्ट एवरी वन टू कॉपी द लिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड प्लीज़ शेयर द लिंक विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि मैक्सिमम लोगों तक आपका ये पहुँच सके। तो चलिए शुरू करें एंड ले चलते हैं आपको हमारे आज के द डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस पे। टुडे गाइस इज द 3rd of August। हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। आप सबको रक्षाबंधन की और बिलेटेड ईद की आप सबको शुभकामनाएं। एंड आज हम इन दोनों ही पेपर्स को यहां पर डिस्कस करेंगे। मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का, उसको जाके आप लाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। मैं रिपीट फिर से कर दूं, आज 4 PM का शो नहीं होगा बिकॉज आज रक्षाबंधन है। हमने स्पेशली आपकी डिमांड के लिए 8 AM का शो तो किया है, बट टुडे 4 PM शो विल नॉट हैपन। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स स्टार्ट विद द डेली करंट अफेयर्स गाइस। पर उससे पहले वेलकम द चैंपियन ऑफ चैंपियंस। आज के हमारे जो चैंपियन चैंपियन हैं, शी इज़ अ न्यू चैंपियन गाइस, उनका नाम है सुरभि शर्मा, वो नंबर 1 पे हैं। एंड देन वी हैव ऑन 2nd अगेन अ न्यू चैंपियन निकिता हसानी, 3rd पायल महाजन, 4th श्रेया एस एंड 5th रोमाश्री साहू। सो वुमन एम्पावरमेंट की बात हम करेंगे बिकॉज हाँ 3:30 PM होगा, बिकॉज आप देख सकते हैं एवरी एस्पायरेंट इज हियर इज़ अ वुमन और अ गर्ल एंड वो यहाँ पर आपके सामने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे जो इंडियन ऑफ द ईयर हैं उनका नाम है इंडियन ऑफ द डे है उनका नाम है विराट कोहली, द इंडियन टेस्ट क्रिकेट वनडे एंड T20 कैप्टन, किंग कोहली हिमसेल्फ। एंड आज हम डिस्कस करेंगे फिर से GI टैक्स को, पर उससे पहले मैंने कल आपसे ये सवाल पूछे थे, ये मैंने कहा था पढ़ के आइएगा। एक बार ज़रा कमेंट कर दीजिएगा यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर कि हम पढ़ के आए हैं। तो चलिए शुरू करें एंड ले चलें इन्हीं के क्वेश्चंस पर। एंड हियर इज़ क्वेश्चन नंबर 1 टू ऑल ऑफ यू। उडुपी मलिगा और मलिगे हैज़ बिन गिवन द GI टैग फॉर विच स्टेट। किस राज्य के लिए उडुपी मलिगे को दिया गया है आपका GI टैग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है एंड इसका आंसर है आपका कर्नाटका। कर्नाटका का उडुपी मालिगे टैग है। चंबा रुमाल हैज़ बिन गिवन द GI टैग फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इनमें से किस राज्य का चंबा रुमाल जो है उसे दिया गया है GI टैग। बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर है आपका हिमाचल। अगर चंबल होता तो डाउट में पड़ जाता मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, पर यहाँ पर चंबा रुमाल है, तो यहाँ जो आंसर है दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, धारवाड़ पेढ़ा हैज़ बिन गिवन द GI टैग फॉर विच स्टेट। इनमें से किस राज्य के लिए धारवाड़ पेढ़ा को दिया गया है आपका GI टैग। एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन ए दैट इज़ कर्नाटका। कर्नाटका इज़ एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। धारवाड़ वहाँ पर जगह भी है इन कर्नाटका एंड फॉर दैट इट हैज़ बिन गिवन द GI टैग इन कर्नाटका। क्वेश्चन 4, द पोकली राइस हैज़ बिन गिवन द GI टैग फॉर विच स्टेट। पोकली राइस इनमें से किस पर्टिकुलर राज्य का GI टैग है, इसका आंसर है आपका केरला। एंड क्वेश्चन नंबर 5 गाइस, पीपली अप्लीक वर्क हैज़ बिन गिवन द GI टैग फॉर विच स्टेट। इनमें से किस राज्य के लिए पीपली अप्लीक वर्क को दिया गया है GI टैग। एंड द आंसर इज इट इज़ उड़ीसा। उड़ीसा के लिए दिया गया है पीपली अप्लीक वर्क को। सो गाइज, जिनके 5 on 5 आए हैं कंग्रेचुलेशंस एंड आई होप कि आप लगातार सीरीज़ में 5 on 5 लाते रहें, बिकॉज गाइज इससे आपका स्टैटिक GK काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है। बाकी कल के लिए ये है आपके सामने हमारी क्ले जो कि आपको पढ़ के आनी है। कोणार्क स्टोन क्रेविंग एंड पट्टाचित्रा आर फ्रॉम उड़ीसा, बुडती बेल मछलीपट्टनम कलमकारी आर फ्रॉम आंध्रा, निर्मल टॉयज आर फ्रॉम तेलंगाना, अरानी सिल्क कोवल कोरा कॉटन सारी, सलीम सिल्क ईस्ट इंडिया लेदर, तांजवुर डॉल आर फ्रॉम तमिलनाडु, लेदर टॉयज ऑफ इंदौर, बाग प्रिंट्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश,
बनारसी साड़ी गाइस आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, सन खेड़ा फर्नीचर अगाटेज ऑफ कैम्बे कच एम्ब्रॉयडरी गाइस आर फ्रॉम गुजरात। तो इन सबको पढ़ के आइएगा, कल इस पे हम आपके साथ क्विज खेलेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर जो कि ये रहा। एम आई क्रेस्ट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसने दोस्तों आपका स्टार्ट किया है एम आई क्रेस्ट? एसोचैम, फिकी, CII, नीति आयोग या फिर आपका DST, किसने स्टार्ट किया है आपका एम आई क्रेस्ट? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ नीति आयोग। मेरे रेगुलर व्यूअर्स के लिए मेरे 5 सवाल। पहला सवाल, बिहेवियर कैंपेन हैज़ बिन स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसने स्टार्ट किया है बिहेवियर कैंपेन? एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ नीति आयोग अगेन। क्वेश्चन नंबर टू गाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 मई इज़ द फाउंडेशन डे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, 3 मई को इनमें से किसका संगठन दिवस है? द आंसर इज इट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर थ्री, सौरभ लोधा जी वॉज गिवन द यंग रिसर्चर करियर अवार्ड विच वॉज अवार्डेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका आंसर भी आपका क्या है? ऑप्शन ई, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर फोर, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइज, विच ऑर्गेनाइजेशन इज द होस्ट और द एडमिनिस्ट्रेशन होस्ट ऑफ द इंडिया पवेलियन एट द कान्स फिल्म फेस्टिवल, जी ऑलरेडी मैंने कई बार डिस्कस किया है। ये सवाल 1.5 मार्क्स का है, इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज फिकी। एंड क्वेश्चन नंबर फाइव गाइज, उदय कोटक जी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेजिडेंट फॉर द करेंट ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज CII। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कोलैबोरेटेड फॉर एम आई क्रेस्ट, इनमें से किसके साथ कोलैबोरेशन हुआ है एम आई क्रेस्ट के लिए, जो कि नीति आयोग का जो एक ब्रेन चाइल्ड है अटल इनोवेशन मिशन उसका हिस्सा है? इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज ऑप्शन ई, दैट इज BNC, दैट इज बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एज वेल एज वाधवानी फाउंडेशन। एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस। एजो नियो डिवाइस हैज बीन इन्वेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसने दोस्तों एजो नियो डिवाइस जो है उसको इन्वेंट किया है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर दोस्तों जो आपके सामने है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज ऑप्शन डी, दैट इज SNBNCBS, इसने दोस्तों इसको डेवलप किया है। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइस, विच हैज कोलैबोरेटेड विद इसरो फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ये सवाल 2 मार्क्स का है, ये सवाल 2 महीना पुराना है, इट्स 2 मंथ ओल्ड क्वेश्चन, सो 2 मार्क्स का सवाल होगा रेगुलर व्यूअर्स के लिए। आंसर है आपका ऑप्शन ए, दैट इज एरीज। एरीज कहाँ पर है आपका? नैनीताल के अंदर पड़ता है। क्वेश्चन टू, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइज हैज़ डेवलप्ड एन एंटी माइक्रोबियल कोटिंग, इनमें से किसने दोस्तों एक एंटी माइक्रोबियल कोटिंग जो है उसको डेवलप किया है? फटाफट आंसर कीजिएगा, इसका आंसर है आपका GNCSER, इसने डेवलप किया है इस पर्टिकुलर कोटिंग को। आंसर DST नहीं होगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं गाइज, कोविड कथा गाइड हैज़ बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसने दोस्तों कोविड कथा की जो एक मल्टीमीडिया गाइड है उसको लॉन्च किया है? एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन फोर, DST कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, DST आपका जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। सवाल मेरा आपसे है कि गाइज इसके मिनिस्टर कौन है? हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्टर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी? एंड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइज इज इट इज़ श्री हर्षवर्धन जी, हु इज़ ऑल्सो द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, ही इज़ ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ अर्थ एंड साइंसेज। गाइज अर्थ एंड साइंस से याद आया, आई कैन रिपीट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस से याद आया, रिसेंटली विच कॉन्क्लेव वॉज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक फॉर द पार्लियामेंटेरियंस, उस पर्टिकुलर कॉन्क्लेव का नाम क्या था? फटाफट बताइएगा। नो, नॉट इट्स नॉट KRC ने, मैं कॉन्क्लेव की बात कर रहा हूँ जिसमें हर्षवर्धन जी भी थे, वो ई कॉन्क्लेव था। येस, इट वॉज एम्पति, दैट वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट, और येस एब्सोल्युटली करेक्ट, नेम्ड एज एम्पति ई कॉन्क्लेव, दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर गाइस। जिससे इसका आंसर दिया है वो 2 मार्क्स का हकदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से किसने दिया है आपका सुभाष चंद्र बोस का जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार है उसको? NDMA, नीति आयोग, NHA, CDSEO या फिर नन ऑफ दीज, किसने दोस्तों ये काम किया है? इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर वन मेरा यहाँ पर है गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अलाउड चैरिटी फ्रॉम कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स अंडर इट्स एक्ट, इनमें से किसने अभी हाल ही में चैरिटीज़ को अलाउ किया है? इसका आंसर भी आपका क्या होगा? ऑप्शन ए, दैट इज़ NDMA। क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं गाइज, रिसेंटली अ हाई लेवल कमिटी फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन द प्राइवेट सेक्टर इन विच द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग
Shri Amitabh Kant has also been added. Sorry, the CEO of, has also been added. The question is ki that that high level committee has been set up by which of the following? Uska answer dosto jo hai, that is option B. That is Niti Aayog ne hi us committee ko dosto banaya tha. Yes, Niti Aayog ne hi us committee ko dosto jo hai wo aapka banaya tha. That is absolutely the correct answer. Chali, aage badhte hain agle question par. When shall be the Netaji Subhash Chandra Bose Apada Prabandhan Puraskar be awarded? इनमें से किस तारीख को दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अवार्ड है वो दिया जाएगा. इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज ऑप्शन डी दैट इज 23 जनवरी को. ऐसा क्यों किया जाएगा जरा फटाफट बताइएगा मेरे को. इसका रीज़न ये है गाइज बिकॉज 23 जनवरी इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इस वजह से इसको दिया जाएगा. क्वेश्चन वन यहाँ पर दोस्तों आते हैं गाइज. आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हेन इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हु इज़ द आयरन मैन ऑफ इंडिया जिनके नाम पे अभी नेशनल डिक्लेरेशन का अवार्ड दिया गया है. इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज 31st of October. दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. क्वेश्चन टू पे आते हैं गाइस. आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गाइस व्हेन इज़ द नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व, इनमें से किस दिन आपका नेशनल वोटर्स डे आपका ऑब्जर्व होता है. इसका आंसर दोस्तों जो है वो है आपका 25 जनवरी. 25 जनवरी को आपका नेशनल वोटर्स डे होता है. क्वेश्चन थ्री है, सवाल है मेरा सुपर डुपर रेगुलर व्यूअर्स के लिए बिकॉज यही आंसर कर पाएंगे. तो मेरा क्वेश्चन आप सबसे है, इट्स अ 2.5 मार्क्स क्वेश्चन. प्लीज़ टेल मी द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर डे. इस पर्टिकुलर डे की दोस्तों थीम क्या है फटाफट बताइएगा. वॉट इज़ द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर डे? एनी वन एनी आइडिया गाइस फटाफट. आज बहुत कम लोग देख रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं गाइस. ओनली वही लोग देखें जिनको टॉप करना है एग्जामिनेशन में, बाकी लोग ना देखें बिकॉज आई वॉन्ट द क्रीम ऑफ इंडिया टू वॉच दिस पर्टिकुलर सेशन. बाकी टारगेट हमारा वही है 1000 व्यूअर्स का, आपके ऊपर है लाना नहीं लाना. बिल्कुल सही. नो इट्स नॉट ए येस 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 नो. अभी तक किसी का आंसर नहीं आया गाइस. इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर अ स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, एब्सोल्यूट 99% सही है शार्दुल. एक बार ज़रा कमेंट कर दीजिएगा शार्दुल के लिए. एब्सोल्यूटली करेक्ट. It is electoral literacy for a stronger democracy. That is the theme of the National Voters Day. बिल्कुल सही. Question 4 पे आते हैं guys. Out of the following option guys, when is the Martyrs Day observed? इनमें से किस तारीख को आपका Martyrs Day जो है उसको observe किया जाता है? इसका दोस्तों answer जो है that is option E. That is 23rd. Sorry, माफ़ करना. इनमें से कोई दिन नहीं होगा. उसका आंसर होगा आपका 23 मार्च. 23 मार्च होगा ना. जून क्यों होगा? जून होगा नहीं, मार्च होना चाहिए मेरे हिसाब से. हाँ जून नहीं होना चाहिए. हाँ 23 मार्च. 30th January एंड 23rd March. हाँ ठीक है बिल्कुल सही. आगे बढ़ते हैं. बाय हाउ मच परसेंट हैज़ द कोर सेक्टर आउटपुट श्रंक इन जून? कितने प्रतिशत से जो कोर सेक्टर का आउटपुट है वो आपका कम हुआ है? 10, 12.5, 14.3, 11.2 या फिर आपका 15%? एंड इसका आंसर जो है आपका दैट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ 15%. क्वेश्चन वन यहाँ पर आएगा. रिसेंटली RBI लॉन्च दी GNPA, दैट इज़ द ग्रॉस NPA रेशियो. ये आपका कितना बढ़ जाएगा बाय दिस ईयर 2020? कितना बढ़ जाएगा आपका GNPA? तो इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ 12.5%. इतना आपका GNPA जो है वो दोस्तों आपका बढ़ जाएगा. RBI से दोस्तों याद आया. प्लीज़ टेल मी द नेम ऑफ़ द RBI डिप्टी गवर्नर जिनको एक साल का एक्सटेंशन दिया गया है. ज़रा फटाफट नाम बताइएगा उनका. उनका नाम दोस्तों जो है दैट इज़ श्री बी पी कनुनगो जी. ये नाम आपका है. क्वेश्चन थ्री है, ये क्वेश्चन है आपका 2 मार्क्स का. पहली बात तो एक कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर करना चाहेंगे. गिव मी एन आंसर. यस सर 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 यस सर. इन द मीन टाइम गाइज अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं शेयर किया है प्लीज़ शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. द क्वेश्चन इज प्लीज़ टेल मी द नेम ऑफ द बुक ऑथर्ड बाय विरल आचार्य हु वॉज द फॉर्मर RBI डिप्टी गवर्नर. विरल आचार्य की एक नई बुक आई है, उसका दोस्तों नाम ज़रा फटाफट मेरे को बता दीजिएगा. इनका नाम दोस्तों क्या होगा जल्दी से बता दीजिएगा. वॉट इज़ द नेम ऑफ हिज पर्टिकुलर बुक? देखते हैं कौन आंसर करता है. क्वेस्ट. बिल्कुल सही. पूरा नाम अगर बता, क्वेस्ट ऑफ इंडिया, क्वेस्ट फॉर इंडियन इकोनॉमी. सब लोग कुछ और ही कह रहे हैं. क्वेस्ट तो ठीक है, क्वेस्ट कॉमन थीम है पर क्वेस्ट से याद नहीं हुआ. क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग. ओहो ओहो क्या बात है, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में जिंदगी जी जा रही है. टुकड़ों मत दीजिए ठीक है. येस क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. येस बिल्कुल सही. क्वेस्ट फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया. एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस. क्या बात है. आगे बढ़ते हैं. विच मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज द डेटा ऑन इंडेक्स ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन? इनमें से दोस्तों कौन रिलीज करता है आपका डेटा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का? MOSPI, MCA, MOC या फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट? एंड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइस इज इट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इस लिस्ट को दोस्तों जारी करता है. इसके मिनिस्टर कौन है, इसका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इसके मिनिस्टर हैं गाइज राव इंद्रजीत सिंह,
माई क्वेश्चन इज राव इंद्रजीत सिंह जो है उनका कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है। कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर आपके दोस्तों जो हैं वो है मिसेज निर्मला सीतारमन जी, जो आपकी राज्यसभा एमपी हैं। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स आपके कौन है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स आपके जो हैं दैट इज़ श्री पीयूष गोयल जी, ठीक है, वो आपके कॉमर्स के हैं और ये राज्यसभा सांसद हैं। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैं आपके संतोष गंगवार जी, हु इज़ द लोकसभा एमपी फ्रॉम, एब्सोल्युटली करेक्ट, फ्रॉम बरेली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बाकी ये गुड़गांव से हैं, बिल्कुल सही, राव इंद्रजीत सिंह जी, ये नाम ज़रा एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है गाइस, सबको याद रहेगा, एवरीवन। गुरुग्राम कह लो भाई, हाँ गुरुग्राम, मतलब बच्चे की जान ले लो यार तुम, गुरुग्राम, हाँ झुमका किनारे बरेली की बाजार में आपका संतोष गंगवार जी का है। आई टॉट इन बरेली फॉर 11 मंथ्स गाइस, सो आई नो बरेली अ लॉट, यस 11 महीने मैंने वहाँ पर पढ़ाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हाईएस्ट वेटेज इन द कोर सेक्टर इन द आईआईपी ऑफ इज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से हाईएस्ट वेटेज आपका इनमें से दोस्तों किसका है, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी, स्टील, कोल या फिर आपका क्रूड ऑयल। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, नहीं सर इसका आंसर सी होगा, सर सी होगा सर आंसर, हाँ तो इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी, स्टील, कोल या फिर क्रूड ऑयल। एंड द आंसर इज, ये मैंने कल कराया था गाइस, एंड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइस इज इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज रिफाइनरी, रिफाइनरी विल बी द हाईएस्ट, इसका सबसे ज़्यादा होता है आपका, ठीक है याद रखिए, रिफाइनरी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। माई क्वेश्चन वन टू एवरी वन गाइज इज हाउ मेनी कोर सेक्टर्स आर देयर, कितने कोर सेक्टर्स आपके होते हैं, आंसर है आपका 8 सेक्टर्स होते हैं। क्वेश्चन टू आता है, आईआईपी में कितना परसेंटेज आपका कोर सेक्टर का होता है, ये देखो मैंने कल किया था डिस्कस सैटरडे को, अगर आपको पता होगा तो आंसर कर दें, कितना परसेंटेज होता है कोर सेक्टर का, द आंसर इज इट इज़ 40.27%, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 40.27% इज़ द एग्जैक्ट फिगर गाइस, कितना है 40.27%, दैट इज़ एब्सोल्यूटली द करेक्ट आंसर गाइस, बिल्कुल सही जवाब है आपका इस सवाल का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, द फिस्कल डेफिसिट हैज़ टच्ड व्हाट परसेंट ऑफ द एनुअल टारगेट, जो एनुअल टारगेट था उसका कितना परसेंट आपका पहुंच चुका है, 81, 83, 75, 66 या फिर 29%, एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज 3%। माई क्वेश्चन वन टू रेगुलर व्यूवर्स इज, कितना टारगेट है गाइस इस साल का, एनी वन एनी आइडिया व्हाट इज़ द टारगेट दिस ईयर फॉर फिस्कल डेफिसिट। रेनू गालव, अ वेरी वार्म हैप्पी बर्थडे, आई होप एंड विश दैट यू सक्सीड इन एवरी वेंचर दैट यू परफॉर्म, कितना है गाइस, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ 3.85%, कितना है 3.5%, और कितना एक्सपेक्टेड है गाइस, कितना एक्सपेक्टेड है गाइस, कोई मेरे को बताएगा कितना एक्सपेक्टेड है, 8%, 8.5%, 9% या फिर 10%, कितना है आपका, एनी वन एनी आइडिया कितना हो सकता है, हाँ 8.5, हाँ करीब 8% तो आपका हो ही सकता है, एब्सोल्युटली करेक्ट, 8% तो आपका हो ही सकता है। आगे बढ़ते हैं, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट पेंशन स्कीम हैज़ बीन स्क्रैप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इनमें से दोस्तों कौन से राज्य में आपका जो मेंटेनेंस है इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम का उसे स्क्रैप कर दिया गया है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या फिर केरला, एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में इसको दोस्तों स्क्रैप कर दिया गया है। मेरा यहाँ पर क्वेश्चन वन आपसे बनेगा गाइस, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइस, रिसेंटली लालजी टंडन जी पास्ट अवे, लालजी टंडन जी वॉज द गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इनमें से किसके गवर्नर थे आपके लालजी टंडन जी, फटाफट बताइएगा जल्दी से, द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ मध्य प्रदेश। क्वेश्चन टू पे आते हैं गाइस, द अराबिका कॉफ़ी इज़ अ GI टैग गिवन टू विच स्टेट, ये मैं देखो मैंने सवाल पूछ लिया, मैंने डिस्कस भी किया है, देखते हैं आंसर कौन करता है, सवाल है आपका 1.5 मार्क्स का, द अराबिका कॉफ़ी जो है वो इनमें से किस स्टेट के GI टैग है, अराबिका कॉफ़ी, इज इट कर्नाटका, इज इट केरला, इज इट मध्य प्रदेश, क्या है, कहाँ की है आपकी दी अराबिका कॉफ़ी, बिल्कुल सही गाइस, आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ येस बिल्कुल सही, इट इज़ ऑफ कर्नाटका, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं गाइस, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइस, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, द फर्स्ट फिश डिलीवरी स्कीम, डोर स्टेप फिश डिलीवरी स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट, इनमें से कहाँ पर किस स्टेट ने अपनी तरह की पहली डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम लॉन्च की है इन कोलैबोरेशन विद सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन ई, दैट इज़ केरला गाइस, बिल्कुल सही जवाब है, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड क्वेश्चन 4 पे आते हैं गाइस, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गाइस, विच स्टेट विल यू फाइंड द FIR आपके द्वार स्कीम, इनमें से किस स्टेट में आप FIR आपके द्वार स्कीम पाओगे, इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, रमेश कुमार हैज़ बीन reinstated as the state election commissioner of which of the following state, निम्न में से किस राज्य के लिए रमेश कुमार जी को बनाया गया है स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर,
तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर आपका कर्नाटका? एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ आंध्र प्रदेश के बनाए गए हैं आपके ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। दैट इज़ एब्सोल्युटली द करेक्ट करेक्ट आंसर गाइस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कमल पंत हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। इनमें से किस राज्य के पहले पुलिस कमिश्नर, नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं आपके श्री कमल पंत? मुंबई, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु या फिर आपका पुणे? एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ बेंगलुरु। क्वेश्चन वन मेरा आपसे यहाँ पर बनता है गाइस, लेक सुखना इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कहाँ पर आपको मिलता है लेक सुखना? एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ चंडीगढ़। ये न्यूज़ में क्यों थी? ये न्यूज़ में इसलिए थी बिकॉज इसको एक वेटलैंड घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं गाइस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस विल यू फाइंड द संयम ऐप। इनमें से किस जगह पर आप संयम ऐप को पाओगे? इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज़ ऑप्शन ई, दैट इज़ पुणे। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन थ्री पे आते हैं गाइस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड द काला घोड़ा फेस्टिवल स्टार्ट। इनमें से किस पर्टिकुलर शहर में आपका काला घोड़ा फेस्टिवल हुआ था? इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ मुंबई। क्वेश्चन नंबर फोर गाइस, द सेकेंड ग्लोबल इनिशिएटिव दैट इज़ द कोलिशन डिजास्टर रेजीरे इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच यूनाइटेड किंगडम इज़ अ को पार्टनर इज़ अ को चेयर, ये इनमें से किस पर्टिकुलर स्टेट में है? इसका आंसर आपका सिटी जो है वो है आपका ऑप्शन ई, दैट इज़ न्यू दिल्ली। एंड क्वेश्चन नंबर फाइव गाइस, द नेक्स्ट इंडियन साइंस कांग्रेस विल बी हेल्ड, दैट इज़ द 108th इंडियन साइंस कांग्रेस विल बी हेल्ड इन विच सिटी? इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज़ ऑप्शन ई, दैट इज़ इन पुणे। पुणे में आपका ये कांग्रेस होने वाला है। एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी द एग्जीक्यूटिव कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। इनमें से कौन दोस्तों आंध्र प्रदेश का आपका एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगा? अमरावती, कुरनूल, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा या फिर आपका वायनाड? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ विशाखापत्तनम। तो अगर विशाखापत्तनम आपका एग्जीक्यूटिव कैपिटल है तो ज़रा मेरे को फटाफट बताइएगा लेजिस्लेटिव कैपिटल और जुडिशरी कैपिटल इनमें से कौन होगा? फटाफट पहले बताओ मेरे को, लेजिस्लेटिव कैपिटल क्या होगा? इज़ इट अमरावती और इज़ इट कुरनूल? बिल्कुल से लेजिस्लेटिव कैपिटल आपका होगा दैट इज़ अमरावती, एंड आपका कुरनूल जो होगा दैट विल बी द जुडिशरी कैपिटल, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। अमरावती विच इज़ द न्यू कैपिटल, हाँ बिल्कुल सही। गाइज आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गाइज विच इज़ द लोकसभा क्षेत्र ऑफ राहुल गांधी जी, कांग्रेस के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं राहुल गांधी जी, उनका इनमें से कौन सा लोकसभा क्षेत्र है? उसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज़ वायनाड, दैट इज़ एब्सोल्युटली, इट्स नॉट कुरनूल, इट इज़ वायनाड। एब्सोल्युटली करेक्ट। मिशेल बोल्सोनारो इज़ द फर्स्ट लेडी हु वॉज कंट्रैक्टेड विद करोना वायरस आफ्टर हर हस्बैंड ऑल्सो कंट्रैक्टेड करोना वायरस। शी इज़ द फर्स्ट लेडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इनमें से किस देश की दोस्तों ये पहली महिला है, मतलब उनकी पत्नी है? द आंसर इज़ इट इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ ब्राज़ील। मेरा पहला सवाल अब आपसे यहाँ पर बनेगा गाइस, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइस, द AK-203 राइफल बिलोंग्स टू विच कंट्री? किस कंट्री का है आपका AK-203 राइफल? द आंसर इज़ इट इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ रशिया। क्वेश्चन टू गाइस, BDS has been launched by which of the following, that is Baidu system, ये किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ चाइना। क्वेश्चन नंबर थ्री गाइस, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गाइस, द अमेजोनिया सैटेलाइट बिलोंग्स टू विच कंट्री? किस देश की आपकी सैटेलाइट है अमेजोनिया? द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर फोर गाइस, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गाइस, विच कंट्री लॉन्च्ड दी होप मिशन फॉर UAE? UAE का जो होप मिशन है उसको इनमें से किसने लॉन्च किया है? द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन गाइज इज इट इज़ ऑप्शन ई, दैट इज़ जापान। एंड क्वेश्चन नंबर फाइव गाइज, वॉट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ द US सिक्योरिटी? US सिक्योरिटीज़ के मामले में इनमें से भारत का रैंक क्या है इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग? द आंसर इज इट इज़ 12th, 12वें रैंक पर इंडिया आता है, फर्स्ट पे आपका जापान आता है। गाइज आर यू ऑल इन्जॉइंग द सेशन? प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। In the meantime, guys, keep on sharing the video to the maximum people possible. ठीक है, चलिए क्वेश्चन 15 पे आते हैं। Who of the following has been selected in the National Sports Awards Panel? निम्न में से दोस्तों किसे National Sports Award Panel जो है उसमें शामिल किया गया है? सरदार सिंह, वी देवराजन, वीरेंद्र सहवाग या फिर दीपा मलिक या फिर ऑप्शन ई, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। ये ऑप्शन ई भी होगा, ऑप्शन ई दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज़ ऑप्शन ई, दैट इज़ आपका ऑल ऑफ दीज। सारे हैं, सारों को चुना गया है गाइस। मेरे को इनका नहीं पता, बता दो मेरे को ये इनका स्पोर्ट कौन सा है। बाकी ये तो पैरालंपियन है, यस, और वीर सहवाग क्रिकेट है, सदा सिंह हॉकी है, वी देवराजन क्या है ये ज़रा मेरे को फटाफट बता दीजिएगा, इनका स्पोर्ट क्या है? बिल्कुल सही, लोग कह रहे हैं बॉक्सर है, हाँ बॉक्सिंग है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इनका शॉर्टपुट है दीपा मलिक जी का, पैरालंपियन है।
एक बार ज़रा ये बहुत ही बेहुदा नाम से एक आई हैं मैडम, इनको ज़रा प्लीज़ मैं ब्लॉक कर दे रहा हूँ बिकॉज ये डिज़र्व नहीं करते यहाँ पर, ठीक है? बाय 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 गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, अब अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज गाइस दिस इज़ वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ़ यू। इसमें हम क्विज कराते हैं, पोल कराते हैं, स्टडी बेस्ड अपडेट्स देते हैं, बहुत ही रेगुलेटेड ग्रुप है हमारा, जो मेरा जैसे का ग्रुप है। तो इसको जल्दी से फटाफट ग्रो करिएगा एंड प्लीज़ शेयर दिस विथ एवरी वन। ऑल राइट, ओके, चलिए अगर अब हम बात करते हैं 15 on 15 की, तो 15 on 15 किसके आए हैं ज़रा एक बार ज़रा हम गिव मी अ थम्स अप। जिनके आए हैं वो दोस्तों क्या हैं, वो हैं चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, जिनका स्कोर 14 on 15 है। वो क्या हैं गाइस, जिनका स्कोर 14 on 15 है वो दोस्तों क्या हैं गाइस, वो दोस्तों हैं शोले। जिनका स्कोर आपका 13 on 15 है वो क्या हैं गाइस, वो हैं मेरे हिसाब से DDLJ। जिनका स्कोर गाइस 12 on 15 है वो क्या हैं गाइस, वो हैं 3 Idiots। जिनका स्कोर 8 और 11 के बीच है गाइस वो क्या हैं, वो हैं हम आपके हैं कौन। जिनका स्कोर 5 से कम है गाइस वो हैं राम गोपाल वर्मा की आग। भैया अब ये तो नहीं बनना है आपको, आपको आग तो बनना नहीं है, यू हैव टू एटलीस्ट बी 3 Idiots। ऑल राइट, दैट इज एटलीस्ट आपको उतना बनना है। ऑल राइट, यस यस, चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं लेवल विद ग्रेड अप पे गाइस। मोनिका जी लिंक तब ओपन होगा जब आप टेलीग्राम डाउनलोड करोगे, उसको डाउनलोड करने के बाद ही लिंक ओपन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। इनमें से दोस्तों कौन सा कथन आपका इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जो है उसके लिए सही है? पहला, द सेलिब्रेशन वॉज होस्टेड वर्चुअली बाई फ्रांस। सेकेंड, द ITER क्रायोस्टैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाई इंडिया। थर्ड, यस, द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन बाई इज मैन्युफैक्चर्ड बाई EU। इनमें से आंसर दोस्तों क्या होगा, वॉट विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? फटाफट आंसर कीजिएगा, वॉट इज द पॉसिबल आंसर? द आंसर इज, इट इज ऑप्शन ई, ये सारे के सारे आपके सही हैं। चलिए गाइस अब आते हैं हमारे आज के बिग स्टोरी पे। फर्स्ट विल डिस्कस 3 big stories, देन विल डिस्कस द हिंदू, आज का और कल का, संडे का भी डिस्कस करेंगे, एंड फिर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे PIB। ऑलराइट, तो आई होप एवरीवन इज रेडी। चाइना हैज फॉर्मली लॉन्च्ड फुल ग्लोबल सर्विसेज ऑफ इट्स बाइडू 3 नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और BDS। BDS इज लाइक द GPS ऑफ द USA और इनका खुद का दोस्तों ये अब आपका सिस्टम है। आइए ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये रहा आपके सामने। बाइडू इज द चाइनीज वर्ड फॉर बिग डिपर और प्लाउ कॉन्स्टलेशन। दिस सिस्टम वॉज कम्प्लीटेड इन 3 steps। BDS 1 कम्प्लीट हुआ था, विच प्रोवाइडेड सर्विसेज GPS सर्विसेज टू चाइना। BDS 2 प्रोवाइडेड GPS सर्विसेज टू एशिया पैसिफिक, एंड BDS 3 प्रोवाइड GPS सर्विसेज टू द वर्ल्ड। तो 3 steps में GPS सर्विसेज जो हैं, आपने कार चलाई होगी या आपके पास फ़ोन ज़रूर होगा उसमें GPS होता है। सो इनका GPS का नाम है आपका BDS, पहले स्टेज में चाइना के अंदर, सेकेंड स्टेज में एशिया पैसिफिक के अंदर, थर्ड स्टेज में एंटायर वर्ल्ड में ये सर्विस आपकी प्रोवाइड हो जाएगी। अगर हम फीचर्स की बात करें, ऑलमोस्ट देर आर 30 satellites इन BDS। इट इज़ मेड फॉर 3 orbits, फर्स्ट वन फॉर जियो स्टेशनरी, सेकेंड वन फॉर जियो सिंक्रोनस, थर्ड वन फॉर मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ये ऑफर करता है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग। इट इज़ द 4th global satellite system आफ्टर USA GPS, रशियाज ग्लोनास एंड यूरोपियन यूनियंस गलीलियो। अगर हम बात करें इस सिस्टम की, बेसिकली इट इज़ अ बेसिकली BDS एंड GPS और गलीलियो और ग्लोनास, ऑल ऑफ दीज गाइज आर अ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये आपके ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट के पार्ट हैं और बेसिकली इट्स अ जनरल टर्म डिस्क्राइबिंग एनी सैटेलाइट या एनी सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन, मतलब ऐसे सैटेलाइट्स का आपका ग्रुप विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट पोजिशनिंग, नेविगेशन एज वेल एज टाइमिंग ऑन अ ग्लोबल बेसिस, उसके लिए दोस्तों ये आपका होता है। समझ में आ गया सबको, कतरा कतरा क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन पर। नेपाल हैज सेड that the 1947 tri-party agreement between India, Nepal and the UK has become redundant. नेपाल ने कहा है कि भारत, नेपाल और यूनाइटेड किंगडम के बीच 1947 का जो त्रिपक्षीय समझौता है वो निरर्थक हो गया है। अब यहाँ पर दोस्तों समझिएगा ध्यान से कि नेपाल कुछ भी कह रहा है, नाउ इट wants टू इन्वॉल्व इट सेल्फ इन everything। पता नहीं क्या हो गया उसको, मतलब कौन सी दवाई खा ली,
बट उसको, हाँ इंडिया का नाविक है, हाँ इंडिया का नाविक है, बिल्कुल सही इन टर्म्स ऑफ GPS, बिल्कुल सही। हाँ तो आई अभी वो ऑपरेशनल नहीं है, नाविक इज नॉट ऑपरेशनल गाइस, ऑलराइट। तो आई इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये रहा आपके सामने। इन 1947, वन सेकेंड गाइस, 1947 में इट वॉज डिसाइडेड आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस दैट गुरखा रेजिमेंट विल बी डिवाइडेड बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन आर्मीज। ईस्ट इंडिया कंपनी विच इज़ द प्रिकर्सर टू द ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी यूज द गुरखाज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द एंग्लो नेपलीज वॉर। इन 2015 द गुरखाज कंप्लीटेड 200 ईयर्स इन द ब्रिटिश आर्मी। गुरखाज बेसिकली आर रिक्रूटेड एवरी ईयर एट द ब्रिटिश गुरखा कैंप एट पोखरा इन नेपाल। हर साल यहीं से रिक्रूटमेंट आपका दोस्तों जो है वो होता है। तो याद रखिएगा कि दे आर ट्राइंग टू चेंज द अग्रीमेंट ऑफ द गुरखा सोल्जर्स फॉर UK एज वेल एज इंडिया, ठीक है, याद रहेगा सबको। नेपाल ने रिसेंटली का ही सेकेंड अमेंडमेंट पास किया था, एंड बाय द सेकेंड अमेंडमेंट व्हाट दे डिड इज दैट उन्होंने तीन सिटीज़ को कहा इंडिया के पार्ट नहीं है। उनमें पहला था आपका लिपुलेक, द सेकेंड वन गाइस वॉज लिम्पी अधूरा, द थर्ड वन गाइस वॉज आपका कालापानी, ठीक है। इसके अलावा दे ऑल्सो सेड दैट एनी फॉरन वुमन इफ़ शी वॉन्ट्स टू मैरी अ नेपलीज मैन शी हैज़ टू स्टे फॉर 7 years इन नेपाल फॉर गेटिंग नेपाली सिटीजनशिप, ठीक है। इसके अलावा वहाँ के जो ओली हैं उन्होंने कोई गोली खा ली, एंड गोली खाने के बाद उन्होंने कहा कि राम जी अयोध्या में नहीं, राम जी नेपाल में पैदा हुए थे इन द थोरी डिस्ट्रिक्ट। तो उस वजह से भी दोस्तों ये रेलिवेंट है, उस वजह से भी दे आर इन द न्यूज़। ऑलराइट, यस, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस। इंडिया इजराइल मिशन फॉर COVID-19 रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ब्रीथिंग स्पेस। मैंने आपको डिस्कस किया था कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले, दैट अ कमीशन, अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट हैव लैंडेड फ्रॉम इजराइल इन इंडिया, एंड टुगेदर विद DRDO दे विल ट्राई टू मिनिमाइज द टाइम द रिजल्ट्स ऑफ COVID-19, मतलब विद इन एन आवर वो कोशिश कर रहे हैं कि हम रिजल्ट्स प्रोवाइड करें या फिर 30 seconds के अंदर रिजल्ट्स प्रोवाइड करें। सो द कम्बाइंड मिशन बिटवीन इंडिया एंड इजराइल गाइस इज कॉल्ड एज ब्रीथिंग स्पेस। क्या नाम है उसका? ब्रीथिंग स्पेस। एक बार ज़रा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये रहा आपके सामने। द ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हियर गाइस आर DRDO एंड डिफेंस मिनिस्ट्री। बेसिकली ये तीन टेस्ट करवाएंगे। द फर्स्ट टेस्ट विल बी ऑडियो टेस्ट इन विच अ पेशेंट्स वॉइस वुड बी रिकॉर्डेड एंड इवेल्युएटेड थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। सेकेंड होगा आपका ब्रीथ टेस्ट, जहाँ पर द पेशेंट विल ब्लो इन टू अ ट्यूब दैट डिटेक्ट द वायरस। थर्ड आपका होगा दैट विल बी थर्मल टेस्टिंग, जो कि आपका होगा फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वायरस एज अ सलाइवा सैम्पल। और आखिरी में आपका होगा पोइलो अमाइनो टेस्ट, जिसके अंदर दे विल आइसोलेट द प्रोटीन्स रिलेटेड टू द COVID-19। तो ये चार टेस्ट इंडिया में कराए जा रहे हैं, एंड दे विल डिसाइड विच टेस्ट इज बेटर। ऑलराइट गाइस, DRDO आपका न्यूज़ में था बिकॉज रिसेंटली इसने डेयर टू ड्रीम 2.0 लॉन्च किया है। दिस वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द DRDO, एंड इट वॉज लॉन्च्ड ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया श्री APJ अब्दुल कलाम। उस वजह से भी आपका DRDO जो है वो न्यूज़ में था, ठीक है, याद रहेगा सबको। नो इट्स नॉट 3.0, इट्स 2.0। यस, आगे बढ़ते हैं गाइज। अब आते हैं हमारे आज के भूले बिस्से MCQ पे, पर इससे पहले किसी को कोई डाउट, कोई गिला, कोई शिकवा, एनी डाउट गाइज अगर नहीं है, गिव मी अ थम्स अप, स्पेशली माई रेगुलर व्यूवर्स, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द भूले बिसरे करंट अफेयर्स MCQ। ये वो क्वेश्चन हैं जो सैटरडे को मैं नहीं कराए थे आपको, उनको मैं आज आपके सामने करा रहा हूँ, ठीक है गाइज। तो चलिए शुरू करें, एंड ये रहा आपके सामने। एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिएगा, जय अंकल जी, जय अंकल जी, जय अंकल जी, जय अंकल जी, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा, बिकॉज अंकल जी एक दिन आएगा जब अगर अंकल जी आपके ऐसे हैं, अंकल जी आपके ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, उनके दांत भी आ जाएंगे और वो स्माइल करने लगेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर वन गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ रिसीव्ड एन अवार्ड द स्कॉच गोल्ड अवार्ड। इनमें से दोस्तों हाल ही में किसे दिया गया है स्कॉच का गोल्ड अवार्ड? MOSPI, MOEFCCC, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। किसको दिया गया है ये अवार्ड? एंड द आंसर इज इट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। माई क्वेश्चन इज गाइज, इन ये कौन है? हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गाइज? द आंसर इज इट इज़ मिस्टर क्या नाम है इनका, मैं खुद ना भूल गया, मुंडा जी, हाँ अर्जुन मुंडा जी, ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। खूंटा से ये दोस्तों आपके सांसद हैं। MOSPI ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, ही इज़ अ राज्यसभा MP। ये मिनिस्टर हैं
यस एस जय शंकर, एब्सोल्युटली करेक्ट। माय क्वेश्चन इज रिसेंटली इनकी एक बुक आ रही है और मैं आपको बताऊंगा ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है SBI, SSC, डिफेंस और रेलवेज के लिए बिकॉज ये बुक एग्जाम में आएगी। वॉट इज़ द नेम ऑफ द बुक दैट इज़ रिटन बाय श्री सुब्रमण्यम जयशंकर बिकॉज ये न्यूज़ में आपके हैं। एंड देन गाइज वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी जो कि हैं आपके हर्षवर्धन। हाँ इंडिया वे नाम है उसका, काफ़ी हद तक इंडिया वे नाम है, एब्सोल्युटली करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रिलायंस बांग्लादेश LNG एंड पावर लिमिटेड हैज साइंड अ $200 million लोन अग्रीमेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसके साथ दोस्तों ये अग्रीमेंट किया है। इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के साथ अग्रीमेंट दोस्तों जो है वो रिलायंस बांग्लादेश ने हाल ही में आपका किया है फॉर $200 million। गाइज IMF की बात करें याद रखिएगा क्रिस्टालिना गियार्गीवा इज द हेड एंड वॉशिंगटन इज द हेडक्वार्टर्स। ADB वी हैव मत्सत्सुगु असकवा, ही इज़ द हेड एंड देन गाइज वी हैव अशोक लवासा इज वेल हु इज़ द वाइस प्रेजिडेंट एंड इट इज़ इन मनीला फिलीपींस। AIIB की बात करें इट इज़ इन बेजिंग, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड रिसेंटली गाइज जिन लुकुन हैज़ बीन अपॉइंट री इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट। वर्ल्ड बैंक गाइज इट्स डेविड मलपास हु इज़ द हेड एंड इसके हेडक्वार्टर्स आपके जो हैं वो अगैन वॉशिंगटन में है। NDB की बात करें तो NDB के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर फटाफट बताएंगे मेरे को हैं NDB के, ये शायद शंघाई में है ठीक है। और NDB के हेड हैं मार्कस ट्रॉयजो हु इज़ गाइज ब्राज़ीलियन एंड इंडेक तरफ से वाइस प्रेसिडेंट का नाम है दोस्तों अनिल किशोरा ठीक है, ये नाम भी आप यहाँ पर याद रखिएगा, याद रहेगा सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग बाय नीति आयोग, इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट ने दोस्तों एस्पर डिस्ट्रिक्ट के मामले में रैंकिंग में टॉप किया है। बीजापुर, रीभोई, बहराइच, नवाडा एंड मोगा। द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन ए दैट इज़ बीजापुर। ये कहाँ पर है आपका, छत्तीसगढ़ में है। चलो नहीं जानते हैं गाइस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स होते क्या हैं। देर आर 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है। दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स वेयर द गवर्नमेंट स्कीम्स हैवंट रीच्ड, जहाँ पर सरकारी योजनाएं अभी तक पूरी तरीके से नहीं पहुँची हैं ठीक है। एंड देर आर 112 जिनको कि इसमें टैग किया गया, उसमें सबसे जो बेटर परफॉर्मेंस है वो आपका बीजापुर छत्तीसगढ़ का है ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पे रिभोई है आपका और थर्ड पे आपका बहराइच UP है, ये बात भी आप याद रखिएगा। बीजापुर नहीं सर छत्तीसगढ़ में है सर। चलिए नहीं सर 112 हैं, 112 हैं सर, 112 हैं सर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रेटेड एज वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूबल कंपनी, इनमें से दोस्तों किसे दुनिया की सबसे वैल्यूबल कंपनी में माना गया है। सऊदी अरामको, एप्पल, गूगल, फेसबुक या फिर अमेजोन। एंड द आंसर इज इट इज़ एप्पल। पहले आपका सऊदी अरामको था पर अब आपका दोस्तों जो है वो एप्पल हो गया है, इस वजह से भी आपका ये न्यूज़ में है। गाइज माई क्वेश्चन टू एवरी वन ईयर इज प्लीज़ टेल मी जो अमेजोन वेब सर्विसेज हैं इन्होंने किस स्टेट के साथ हाल ही में कोलैबोरेशन किया है। एंड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइज इज दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ आपका आंध्र प्रदेश के साथ कोलैबोरेशन किया है, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट गाइज। फेसबुक ने दोस्तों हाल ही में किस एजुकेशन बोर्ड से टाइप किया है। फेसबुक हैज़ कोलैबोरेटेड विथ विच पर्टिकुलर बोर्ड गाइज, इसका जवाब दीजिएगा। इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, प्लीज़ टेल मी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइज। एंड इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज़ द CBSE, दैट इज़ एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर गाइज, बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस। चलिए आगे बढ़ें, यस आगे अगले सवाल पर। व्हेन इज द वर्ल्ड रेंजर डे ऑब्जर्व, इनमें से किस तारीख को आपका वर्ल्ड रेंजर डे होता है। इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज ऑप्शन बी दैट इज 31st of July, 31 जुलाई को आपका ये मनाया जाता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए अब आते हैं दोस्तों, रिपीट फिर से कर दूँ, मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आर टेलीग्राम चैनल एंड वीडियो आज, यस एवरीवन हैज़ टू फॉलो दिस पर्टिकुलर लिंक गाइस ठीक है भाई, प्लीज़ एवरीवन, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। ऑलराइट ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द हिंदू एनालिसिस गाइस। आर यू ऑल रेडी गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले द सेंटर हैज़ एक्सटेंडेड द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस टू कवर लोन्स गिवन टू लार्जर फर्म्स एज वेल एज टू सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल एंड प्रोफेशनल्स हु हैव टेकन लोन्स फॉर बिजनेस पर्पसेस।
केंद्र ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अपनी ऋण गारंटी योजना का विस्तार किया है। अब ये बड़ी कंपनियों को दिए गए ऋणों के साथ साथ स्वनियोजित लोगों और पेशेवरों के लिए भी आपको इसको माना जाएगा। मतलब अब ये सबके लिए एप्लीकेबल आपकी कर दी गई है, सिर्फ MSME के लिए नहीं बल्कि सबके लिए कर दी गई है। इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, ये रहा आपके सामने। द नेम ऑफ द स्कीम गाइज इज़ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम इन विच दे विल प्रोवाइड क्रेडिट सपोर्ट टू द कंपनीज। इसका टोटल बजट है 41600 crores एंड ये करीब एडिशनल फंडिंग करेगा, गारंटी करेगा एडिशनल फंडिंग अप टू ₹300,00,000। अभी तक जो MSMEs एलिजिबल थे दे हैड टू बी हैड अ टर्नओवर अप टू 100 crore एंड उनका आउटस्टैंडिंग लोन होना चाहिए 25 करोड़ का। फॉर एग्जाम्पल इफ एनी MSME हैज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर योजना इट हैड टू हैड अ एनुअल टर्नओवर ऑफ 100 crores एंड सेकेंड द लोन आउटस्टैंडिंग हैड टू बी अप टू ₹225 crores तभी उसको इसका पार्ट माना जाता। देन गाइज नाउ इट हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू कंपनीज हुज टर्नओवर इज अप टू 250 crores एंड हुज आउटस्टैंडिंग लोन्स इज अप टू ₹50 crore। मैं आपको एक्सप्लेन फिर से करता हूँ। अर्लियर की बात करें तो अर्लियर इट ओनली इंक्लूडेड द MSMEs। कंडीशन क्या थी? देयर टर्नओवर शुड बी अप टू 100 crores एंड द आउटस्टैंडिंग लोन शुड बी अप टू 25 crores। अब नाउ कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन तो है, मतलब अर्लियर वाला तो है, प्लस अब लार्ज कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर शुड बी अप टू 250 crores एंड दी आउटस्टैंडिंग लोन शुड बी अप टू 50 crores। सबको याद रहेगा? अभिनव श्रीवास्तव जी, उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। आप बहुत ही मेरे शो को लेकर क्रिटिकल रहते हो, अच्छी बात है कि आप क्रिटिकल स्वामी हो मेरे शो के लिए। बट इज हैज़ एवरी वन अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पार्ट? गिव मी अ थम्स अप इफ एवरी वन हैज़ अंडरस्टूड। फटाफट गिव मी अ थम्स अप गाइस। ऑलराइट, क्या बात है? XYZ AVZ, पहली बात तो आप कायर हो, यू आर अ कावर्ड। उल्टा सीधा लिखने से काम चलेगा नहीं, मैं आपको भी बाकायदा ब्लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। MSME क्या है? अरे लल्लभू कुमार क्या लिख रहे हो यार, MSME है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है भाई। हाँ चलिए आगे बढ़े, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस। अ वेरी बिग चेंज हैज़ हैपन्ड गाइस। द लेटेस्ट नोटिफिकेशन टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज़ ड्रॉप्ड मैंडरिन फ्रॉम इट्स लिस्ट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस दैट कैन बी टॉट इन स्कूल्स, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने मैंडरिन या मैंडरिन जो भाषा है उसको विदेशी भाषाओं की सूची से हटा दिया है। मतलब आपको दोस्तों इसको पढ़ना नहीं है। एक बार ज़रा स्क्रीन पर आइए, देख लेते हैं, ये रहा आपके। हाँ, बस इतना याद रखिएगा कि अब आपका जो मैंडरिन है वो आपका NEP का हिस्सा नहीं है। अब ज़रा सवाल पूछता हूँ मैं आपसे एंड टू माई रेगुलर व्यूवर्स NEP क्विज के बारे में। क्वेश्चन वन मेरा है गाइस, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स हैज़ दी NEP कम? कितने साल बाद आपका NEP जो है वो आया है? द आंसर इज आपका 34 ईयर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर टू गाइस, विच कमिटी इज़ कंसर्न्ड विद दिस पर्टिकुलर पार्ट? कौन सी कमिटी आपकी कंसर्न्ड है? द आंसर इज इट इज़ के कस्तूरी रंगन, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री, ये सवाल है 2 मार्क्स का, टीचर्स विल बी ट्रेन्ड टिल विच ईयर? टीचर्स जो है उनको इस पॉलिसी के जरिए कब तक ट्रेन किया जाएगा? द आंसर इज इट इज़ 2023, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर गाइस, विच सस्टेनेबल गोल्स विल बी डेवलप्ड विल बी फोकस्ड अंडर दिस पर्टिकुलर पॉलिसी? कौन से गोल्स, डेवलपमेंट गोल्स को फोकस कर रहे हैं? द आंसर इज इट इज सस्टेनेबल गोल्स 4। आगे बढ़ते हैं। VR चौधरी जी और एयर मार्शल VR चौधरी जी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न एयर कमांड, ठीक है। एंड इनको वेस्टर्न एयर कमांड जो है उसका बनाया गया है द एयर कमांडर। याद रखिए इनका नाम दोस्तों है आपका एयर मार्शल VR चौधरी। देन गाइज अमर सिंह हु वॉज टू द फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम विद द समाजवादी पार्टी, he was like a king maker when he was at his prime, और इनका दोस्तों देहांत हो गया है, ठीक है। he was 64 and he was passed away, he was born in अलीगढ़ guys and इनका हाल ही में आपका देहांत हो गया। इनका नाम दोस्तों है श्री अमर सिंह। आगे बढ़ते हैं guys, 3 more states have been added to the one nation one card scheme। आप में से कितने लोग को आता है अबाउट वन नेशन वन कार्ड? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट वन नेशन वन कार्ड? नाउ वन नेशन वन कार्ड बेसिकली मीन्स दैट इफ़ यू हैव अ राशन कार्ड दैट कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल स्टेट्स, मल्टीपल स्टेट्स में उस राशन कार्ड को हम यूज़ कर सकते हैं। सो 3 more states हैव बीन एडेड गाइस, मणिपुर, नागालैंड एंड उत्तराखंड एंड एज वेल एज द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओवरऑल नाउ देर आर 24 states विच आर अ पार्ट ऑफ द वन नेशन वन कार्ड स्कीम। स्क्रीन पर देख सकते हैं, बेसिकली इट इज़ अ इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड। फॉर एग्जाम्पल आपका DL होता है
Now DL is portable, it is valid for the entire country. Similarly, now this particular ration card, if applied to all the states, will be valid in every state. All right. And according to the ministry, all states should implement the scheme by July this year. Is saal July tak scheme ko sabko doston apply kar lena hai. And for this to happen, every farmer has to link its ration card with Aadhaar. ठीक है, याद रहेगा. सो गाइस 24 आपके स्टेट्स हो गए हैं, उसमें 3 नए स्टेट्स हैं, मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड, यूटीज में आपका जम्मू कश्मीर भी इसमें ऐड हो गया है. समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं. द अरब वर्ल्ड फर्स्ट एज वेल एज यूएईज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बराक न्यूक्लियर प्लांट हैज रीच्ड क्रिटिकैलिटी. कितने लोग को पता है क्रिटिकैलिटी के बारे में गाइस? बिकॉज मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है कई बार. आई हैव डिस्कस दिस मल्टीपल टाइम्स. क्रिटिकैलिटी क्या होता है गाइस? व्हेन अ पर्टिकुलर प्लांट रीचेस द प्रोडक्शन वैल्यू. जब एक प्लांट आपकी प्रोडक्शन वैल्यू तक पहुंचता है. सुबोजीत जी, आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन यू आर नॉट अ रेगुलर व्यूअर. ऑल माई रेगुलर व्यूअर्स नो अबाउट क्रिटिकैलिटी. मैं इसीलिए बार बार आपसे कहता हूँ, रेगुलर रहो. आपको लगता है मैं बार बार कह रहा हूँ, व्यूज के लिए कह रहा हूँ, प्लीज बी रेगुलर गाइस. हाँ, सो क्रिटिकैलिटी इज बेसिकली अ सिग्नल दैट द पावर प्लांट इट्स अप फॉर प्रोडक्शन. सो द ऑयल रिच यूएई अनाउंस द स्टार्टअप ऑफ इट्स बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट स्कोरिंग अनदर फर्स्ट फॉर द अरब वर्ल्ड. तेज समृद्ध अरब अमीरात ने अपने बराक परमाणु संयंत्र की शुरुआत की घोषणा की है, जो अरब जगत के लिए एक और उपलब्धि है. इस बात को याद रखिएगा, अगर आप रेगुलर हो तो आपको आना चाहिए अबाउट दिस. गाइज, यूएई आपका न्यूज़ में था बिकॉज यूएई ने अभी हाल ही में अपना जो पहला मिशन है उसको लॉन्च किया है. स्क्रीन पे दोस्तों आप देख सकते हैं, ये रहा आपके सामने. बेसिकली दिस प्लांट इन अरेबिक मीन्स ब्लेसिंग एंड बराक इज वॉज बिल्ट बाय अ कंसोर्टियम विच वॉज लेड बाय द कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन एट अ कॉस्ट ऑफ 24.4 बिलियन. इतने अमाउंट में ये आपका बिल्ड कंस्ट्रक्ट किया गया था. इसका नाम दोस्तों है, दैट इज़ बराक. द ओनली क्वेश्चन दैट विल कम गाइस हियर इज दैट बराक न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट इज इन विच स्टेट, इज इन विच कंट्री. द आंसर इज इट इज इन यूएई. कहां पर है आपका? यूएई में है. आगे बढ़ते हैं गाइस. द गवर्नमेंट हैज सेड दैट अ टोटल ऑफ 22 कंपनीज इंक्लूडिंग सैमसंग, एप्पल्स 3 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स, फॉक्सकॉन, पेजट्रॉन, विजट्रॉन, लावा, माइक्रोमैक्स हैव फाइल्ड फॉर applications under the production linked incentive scheme. The scheme guys has been launched by the Ministry of Electronics and IT. This scheme provides incentive to electronic manufacturers if they start production in India. To uske liye scheme hai, screen pe aap dekh sakte hain, ye raha aapke samne. The total budget of this PLI scheme is rupees 40995 crores. The total tenure here guys is 5 years. They will provide an incentive of 4-6% on incremental sales of goods manufactured in India. In this particular applicants, we have 3 organizations which are manufacturers for Apple iPhones. These are Foxconn, Wistron and Pastron. All of these have offices and plants in China. Or ho sakta hai, they will move their plants to India. So, repeat fir se kar dun guys. Production linked incentive scheme ke andar applications aayi hain. It includes organizations like Samsung, Apple manufacturers like Foxconn, Indian companies like Lava, Micromax, in which they will be provided 4-6% of incentive. Overall budget is 40995 crores for the next 5 years. And the ministry concerned here, guys, is the Ministry of Electronics and IT. Yaad rahega sabko? Chaliye, aage badhte hain. The fans of football have picked Sunil Chhetri as the most favorite player of the 2019 AFC Asian Cup. 2019 का जो AFC Asian Cup है उसके अंदर जो सबसे फेवरेट प्लेयर हैं आपके, उनका नाम है दोस्तों इंडियाज फुटबॉल कैप्टन श्री सुनील छेत्री. ही हैज़ फिनिश्ड अहेड ऑफ उज़्बेकिस्तान एल्डोर हु वॉज सेकेंड. इट वॉज अ क्लोज फाइट बिटवीन दीज टू इन टर्म्स ऑफ द फेवरेट प्लेयर. छेत्री वन 51 वोट्स वाइल एल्डोर शुमदरोव वन 49 वोट्स टू बी रेटेड एज द मोस्ट फेवरेट प्लेयर एट द एशियन फुटबॉल क्लब इन 2019. नाम है इनका सुनील छेत्री. Ian Botham, the legendary England all-rounder, has been made a member of the House of Lords.
he is among the 36 new entries into this particular part, and he will become independent peer of the queen. And Shiva, simple sawal ek hi banega, that which of the following has been added to the as a member of the House of Lords, and the answer is it is Sir Ian Botham. Guys, today, if I am correct, today is Sunil Chhetri's birthday as well. So if I am correct, a very happy birthday to Sunil Chhetri. तो गाइस इयन बोथम जो है इनको दिया गया है, ही हैज बीन अवॉर्डेड, ही हैज बीन मेड द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन इंग्लैंड. याद रहेगा, आगे बढ़ते हैं. ब्रिटेन इज कंसिडरिंग अ कॉइन टू कमेमोरेट महात्मा गांधी. ब्रिटेन ने कहा है कि वो महात्मा गांधी जी की याद में एक सिक्का जारी करने वाली हैं. गाइज, वी ऑल नो अबाउट द ब्लैक लाइव्स मैटर. देखो, इफ ब्लैक लाइव्स मैटर, ब्राउन लाइव्स ऑल्सो मैटर. ऑब्वियसली बात है, मतलब any color discrimination is absolutely wrong. So Britain, to improve its image as a racist agnostic nation, as an organization which is against any discrimination of class, color or creed, it will basically launch a coin of Mr. of Mohandas Karamchand Gandhi ji or the father of our nation Mahatma Gandhi ji. ठीक है, तो उसका coin वो जारी करेंगे. Next पे आते हैं guys. लुइस हैमिल्टन गाइज हैज़ वन द ब्रिटिश ग्रैंड प्री, एंड बड़ा शॉकिंग बात था गाइज ये, बिकॉज इनका जो टायर था इट गॉट बर्स्ट इन द लास्ट लैप, एंड फिर भी ही वन दिस पर्टिकुलर ग्रैंड प्री, एंड दिस इज ही हैज़ वन द ब्रिटिश ग्रैंड प्री नाउ 7 times, विच इज़ द हाइएस्ट वन बाय एनी प्लेयर, एनी फॉर्मूला 1 ड्राइवर एज वेल. एंड फर्स्ट टाइम इनके जो कलीग हैं वेल्टेरी बटाज, ही डिड नॉट फिनिश द सीजन ऑन पोडियम, एंड राइट नाउ गाइज द नंबर वन इन द चैम्पियनशिप गाइज इज हैमिल्टन, हु ड्राइव्स मर्सिडीज, एज वेल एज मैक्स वर्स्टैपन आपके सेकेंड प्लेस पे हैं, आपके सेकेंड प्लेस पे चल रहे हैं इस बार, एंड ही हैज़ नाउ 1000 points. सेकेंड प्लेस पे चल रहे हैं आपके वेल्टेरी बटाज, जो कि इनके ही कलीग हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले गाइस, मैं रिपीट फिर से करूँगा, ये रहा आपके सामने हमारा वो ग्रुप का लिंक, एवरीवन हैज़ टू फॉलो, ऑलराइट, फॉर क्विजेज एंड एवरीथिंग एल्स. तो आइए ज़रा डिस्कस कर लेते हैं. ये रहा आपके सामने हमारा आज का पीआईबी एनालिसिस, एंड हियर इज़ द फर्स्ट वन गाइस. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोग्राम फॉर द बेनिफिट ऑफ आर्टिसंस इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अगरबत्ती अंडर द ग्राम उद्योग विकास योजना. भारत सरकार ने ग्रामोदय विकास योजना के तहत अगरबत्ती के निर्माण में शामिल कारीगरों के लाभ के लिए एक कार्यक्रम जो है उसको शुरू किया है. आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं. बेसिकली इस कार्यक्रम के अंदर दी टारगेटेड क्लस्टर ऑफ आर्टिसंस, जो एक पूरा जत्था होगा, ग्रुप होगा, दे विल बी गिवन गाइज 50 ऑटोमेटिक अगरबत्ती मेकिंग मशीन्स एज वेल एज 10 मिक्सिंग मशीन्स. मशीन्स की बात करें, ओवरऑल स्कीम में there are 200 automatic machines and 40 mixing machines. So total 240 machines diye jayenge. The organization concerned with this yojana guys is Kisan Village Kisan KVIC, that is Kisan Village Industries Commission Corporation, and iska aim hai aapka to enhance production of agarbatti. Recently bamboo sticks ko import karne par jo duty tha usse 25% kar diya gaya tha, theek hai, jisse ki India ke andar aapka इसका प्रोडक्शन हम बढ़ा सकें. बिकॉज दीज अगरबत्तीज गाइज, दी स्टिक्स गाइज, वर बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना, एंड टू अवॉइड दिस पर्टिकुलर थिंग उन्होंने जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको दोस्तों बढ़ा दिया. ठीक है, यस, तो उस वजह से आपको ये याद रखना पड़ेगा. ठीक है गाइज, तो ये स्कीम है फॉर अगरबत्तीज. दे विल प्रोवाइड ईच क्लस्टर विद 50 ऑटोमेटिक अगरबत्तीज एंड 10 वेंडिंग मशीन एंड मिक्सिंग मशीन्स. Overall, they will provide 200 automatic machines as well as 40 mixing machines. The concerned organization is KVIC and its aim is to increase the production of agarbatti. Remember? Let's move on. 1st August has been recorded as the Muslim Women Rights Day. 1st August is celebrated every year as Muslim Mahila Adhikar Divas, and it is celebrated this year. स्क्रीन पे दोस्तों आप देख सकते हैं. ऐसा क्यों, व्हाई ओनली 1st August? ऐसा इसलिए बिकॉज 1st August इज़ द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द पैसेज ऑफ द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड ऑन मैरिज एक्ट. जो ट्रिपल तलाक लॉ जो बना वो 1st August को बना, एंड इट इज़ नाउ अ क्रिमिनल ऑफेंस. अकॉर्डिंग टू द लॉ इट इज़ अ वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 14, दैट इज राइट टू इक्वालिटी. अकॉर्डिंग टू वेरियस एक्सपर्ट्स, आर्टिकल 25 था जो गारंटी करता रिलीजियस फ्रीडम को फॉर द रिलीजन, बट आर्टिकल 14 इसका ऊपर होता, इट इज़ अबव दिस पर्टिकुलर पार्ट. तो अगर हम यहाँ पर बात करें
तो आर्टिकल 25-14 बेसिकली गारंटी दैट इक्वालिटी एट ट्रिपल तलाक इज़ नाउ अ लीगल ऑफेंस. ठीक है, येस, इंडिया में ही आपको इसको ऑब्जर्व किया जाएगा, याद रहेगा सबको. चलिए आगे बढ़ते हैं. हाई लेवल ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स विल बी हैज बीन सेटअप बाय द 15th फाइनेंस कमीशन. जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने एक हाई लेवल जो एक ग्रुप है एक्सपोर्ट्स को, उसको दोस्तों स्टार्ट किया है. एंड दिस ग्रुप बेसिकली हैज़ सबमिटेड इट्स रिपोर्ट. उस रिपोर्ट को दोस्तों इन्होंने जो है वो आपका सबमिट किया है, इस वजह से भी ये आपका दोस्तों न्यूज़ में है. स्क्रीन पे आप देख सकते हैं. बेसिकली ये जो ग्रुप आपका है, दिस ग्रुप बेसिकली मेजर्स दी परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स. दिस ग्रुप हैज़ बीन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन विच इज़ बेसिकली अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट डिटरमाइंस द मेथड एंड फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द टैक्स. टैक्स को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें उसको बताता है आपका द फाइनेंस कमीशन. और इस समय इसके अध्यक्ष जो हैं वो उनका नाम है एन के सिंह. तो उसी कमेटी ने बनाया था HLEG, जिसने अपनी रिपोर्ट जो है उसको दोस्तों जो है उसको सबमिट आपका कर दिया है. तो उस लिहाज से ये आपका दोस्तों जो है वो न्यूज़ में बनी हुई है, याद रहेगा सबको. एवरीवन प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप एवरीवन. तो वो यहाँ पर आपका रेलेवेंट फिगर है. ठीक है जी, सबको याद रहेगा एवरीवन. ऑलराइट, सो गाइस विद दिस वी विल कम टू एन एंड. बाकी अब ज़रा आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ. क्वेश्चन वन मेरा, वन सेकेंड. क्वेश्चन वन मेरा है गाइस. Guys, please tell me in which state will you find the Kamakhya temple? In which state will you find the Shri Padmanabha Swami temple? In which state will you find the Amarnath Yatra? In which state will you find the Sabarmati temple? Where will you find the Hanuman Setu temple? All right. So guys, these are the five questions. You can mail me at kush.pandey@grid.co.